स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर क्लास 6। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इंग्लिश टेक्स्ट में अपनी वर्किंग की थी, और इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में आपने लास्ट वर्क जो किया होगा वो इंडोर एंड आउटडोर गेम्स पर अपना पैराग्राफ लिखा हुआ होगा एक, जिसमें हमने कंपेयरिंग और कंट्रास्टिंग वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ होगा। और ये आपकी बुक में पेज नंबर 5 पे एक्सरसाइज ई है। अब इसी के आगे हम अपना वर्क कंटिन्यू करेंगे। इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में आप लोग क्या करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, सी वर्क लिखेंगे, यूनिट नंबर 1, पेज नंबर 5। इंग्लिश ग्रामर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप हेडिंग मेंशन करेंगे रेडियो एंड टेलीविज़न की, ठीक है। बेसिकली इसमें हम कर क्या रहे हैं कि हम दो चीज़ों को कंपेयर करवा रहे हैं और उन पे एक पैराग्राफ लिख रहे हैं जिसमें कंपेयरिंग वर्ड्स को हम यूज़ कर रहे हैं। कंपेयरिंग वर्ड्स क्या होते हैं ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं फिजिकल क्लासेस में, लेकिन मैं अगेन आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ कि किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर करवाना, उनका कंपेरिजन करना, और उस कंपेरिजन के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो कंपेयरिंग वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे ऑल्दो, व्हाइल, वेयर एज, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, ये सारे वर्ड्स हमारे पास कंपेयरिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो बोथ रेडियो एंड टेलीविजन आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हालांकि रेडियो और टेलीविजन यानी टीवी दोनों रबते के लिए इस्तेमाल होते हैं या रबते के लिए हैं, दे आर डिफरेंट, लेकिन ये मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ। रेडियो इज एन ऑडियो डिवाइस, रेडियो एक ऑडियो डिवाइस है, यानी कि रेडियो में हम सिर्फ सुन सकते हैं, ऐसा ही है ना कि रेडियो में हम सिर्फ सुनते हैं, हमें कुछ देखने को नहीं मिलता। वाइल जबकि टेलीविजन इज बोथ, टेलीविजन दोनों होता है, एंड ऑडियो एंड विजुअल डिवाइस, जिस मतलब कि टेलीविजन टीवी में हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं, यानी सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। लिसनिंग इज नॉट ऑलवेज टू सो इंटरेस्टिंग, सुनना हमेशा इतना दिलचस्प नहीं होता। ऑन द अदर हैंड जबकि दूसरे हाथ पर टेलीविजन इज वेरी फैसिनेटिंग बिकॉज इट हैज़ कलर्स एंड इमेजेस। टेलीविजन जो है वो बहुत फैसिनेटिंग होता है, फैसिनेटिंग कहते हैं दिलचस्प को कह लें, या कोई ऐसी चीज़ जो इंसान की अटेंशन को होल्ड करके रखे उसे फैसिनेटिंग कहते हैं। बिकॉज क्योंकि इट हैज़ कलर्स एंड इमेजेस, क्योंकि उसमें कलर्स और इमेजेस यानी रंग और तस्वीरें होती हैं। तो ये था हमारा रेडियो एंड टेलीविजन पर पैराग्राफ। इसे आप लोग अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में कॉपी करेंगे, एंड कीप रिमेंबर के कंपेयरिंग वर्ड्स को हाईलाइट भी करते जाना है। आप एक और पैराग्राफ, मजीद दो पैराग्राफ तो हम और लिखेंगे, तो ये टोटल 4 पैराग्राफ्स आपके पास हो जाएंगे, ताकि कंपेयरिंग वर्ड्स को समझने में और पैराग्राफ राइटिंग में आपको आसानी हो। तो आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ। ऑलराइट, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगला पैराग्राफ है इंटरनेट एंड टेलीविजन। इंटरनेट और टेलीविजन का कंपैरिजन कर रहे हैं हम यहाँ पर, आइए पढ़ते हैं। ऑल्दो बोथ इंटरनेट एंड टेलीविजन आर मॉडर्न इन्वेंशन, हालांकि दोनों इंटरनेट और टीवी जदीद इजाद हैं, दे सर्व डिफरेंट पर्पसेस, और ये मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। वाई जबकि द इंटरनेट कनेक्ट अस विद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, जबकि इंटरनेट हमें जोड़ता है लोगों से दुनिया में, टेलीविज़न ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड अस एंटरटेनमेंट एज वेल एज न्यूज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड।
टेलीविजन क्या करता है दूसरे हाथ में, कि वो हमें इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ तमाम दुनिया से खबरें भी। यानी कि ये कहा जा रहा है कि टेलीविज़न और इंटरनेट दोनों जदीद ज़माने की इजाद हैं, ये मुख्तलिफ़ मकासद के लिए यूज़ होती हैं। इंटरनेट जब हमें लोगों से जोड़ता है तमाम दुनिया के, तो दूसरे हाथ पे टीवी क्या करता है कि वो हमें इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, हमें इंटरटेन करता है और इसके साथ साथ हमें न्यूज़ अपडेट भी देता रहता है। यानी कि हमें न्यूज़ भी मिलती रहती है, इंफॉर्मेशन भी मिलती रहती है टीवी से तमाम दुनिया की घर बैठे। तो ये था हमारा टेलीविज़न और इंटरनेट पे पैराग्राफ, जिसमें हमने ऑल्दो ऑन द अदर हैंड और वाइल का वर्ड एज कंपेयरिंग वर्ड यूज़ किया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे अपना, आइए देखते हैं वो कौन सा है। अगला पैराग्राफ हमारे पास है पोइट्री एंड साइंस का। ऑल्दो बोथ पोइट्री एंड साइंस आर क्रिएटिव इन नेचर, कह रहे हैं हालांकि पोइट्री और साइंस दोनों ही क्रिएटिव होती हैं कुदरती तौर पर, फितरतन दे आर वेरी डिफरेंट, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। पोइट्री इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स, जो पोइट्री जो शायरी होती है हमारे पास, वो बेसिकली क्या होती है, क्या होता है, इजहार होता है हमारे ख्यालात और हमारे जज्बात का। वाइल जबकि साइंस इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी, जबकि जो साइंस है वो रियलिटी पे यानी हकीकत पर बेस करती है, उसकी बुनियाद हकीकत पर है, क्योंकि हमारे ख्यालात और हमारे जज्बात ज़रूरी नहीं है कि वो हकीकत पर ही बेस करें, हकीकत पर ही रहें। ख्यालात और जज्बात हमारे हकीकत से बालातर भी हो सकते हैं, लेकिन साइंस में हम जो भी पढ़ते हैं वो सब दे ऑल आर बेस्ड ऑन रियलिटी। पोइट्री इज़ मोस्टली इमेजिनेशन, पोइट्री जो शायरी होती है वो आम तौर पर इमेजिनेशन होती है, यानी कि हमारा तसव्वुर होती है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरे हाथ पर साइंस टेल अस द ट्रुथ अबाउट थिंग्स, जो साइंस है वो हमें चीज़ों के बारे में सच्चाई बताती है। तो यहाँ पर हमारा पोइट्री एंड साइंस पर भी पैराग्राफ एंड होता है। इसमें हमने जो कंपेयरिंग वर्ड्स हाईलाइट किए हैं वो हमारे पास क्या हैं, ऑल्दो है, वाइल है और ऑन द अदर हैंड। ये तीन कंपेयरिंग वर्ड्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे थे जिन्हें हमने अंडरलाइन किया है। तो ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। यह हमारे लेक्चर का लास्ट टॉपिक था। कीप रिमेंबर, ये तमाम वर्क आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में करना है। अच्छा, अब ये आपका हो गया आज का लेक्चर। नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपकी कॉपी में कॉपी करेंगे, बट आपके लिए होमवर्क क्या है कि आपने अब तक जितना वर्क हो चुका है उसे लाजमी मेमोराइज़ करना है। साथ साथ इंग्लिश की जो रीडिंग है आपकी, डिस्क्राइबिंग विद सेंसेस की, जिसे हम कई मरतबा अपनी क्लास में रिवाइज़ भी कर चुके हैं ट्रांसलेशन के साथ, और उसमें बहुत सारी वोकैब्स थी जो मैंने आपको हाईलाइट करवाई थी, तो वो सारी वोकैब्स और वो पूरी रीडिंग ट्रांसलेशन के साथ आपको लाजमी याद होनी चाहिए। वोकैबलरीज को याद करें, इंग्लिश टू उर्दू भी और उर्दू टू इंग्लिश भी, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।